दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुलिस की वर्दी सबकी एक जैसी होती है, चाहे कोई उच्च पद पर हो या एक सिपाही के तौर पर कार्यरत हो। लेकिन आपने देखा होगा कि वर्दी तो समान है, लेकिन पुलिस की वर्दी पर लगे स्टार या चिन्ह अलग अलग हैं। आपको बता दें, इससे पुलिस की रैंक या पद का आसानी से पता चलता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे आप पुलिस को उनके स्टार से ही उनकी रैंक या पद की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर एक, पुलिस कांस्टेबल। पुलिस पद में पुलिस कांस्टेबल का पद सबसे छोटा होता है। इसमें पुलिस कांस्टेबल को सादी यूनिफॉर्म दी जाती है, जिसमें एक भी बैच या स्टार नहीं लगे होते हैं। यह पुलिस बल की सबसे कम रैंक वाला पद होता है। नंबर दो, सीनियर पुलिस कांस्टेबल। यह पद पुलिस कांस्टेबल से ऊपर का पद होता है। सीनियर पुलिस कांस्टेबल, इनके बैच की जगह पर काले रंग की पट्टी होती है, जिसके ऊपर से पीले रंग की भी पट्टी होती है। लेकिन कुछ राज्यों में बैच पर लाल रंग की पट्टियां रहती हैं। नंबर तीन, हेड कांस्टेबल। कांस्टेबल में सबसे बड़ा पद हेड कांस्टेबल का होता है, जिसमें इनकी वर्दी पर काले रंग की पट्टी पर पीले रंग की दो पट्टियां लगी होती हैं। कुछ राज्य में लाल रंग की चौड़ी पट्टी पर तीन काली पट्टियां लगी होती हैं। नंबर चार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को ASI भी कहते हैं। हेड कांस्टेबल के बाद ASI की रैंक आती है। इनकी वर्दी पर एक लाल और नीली पट्टी के साथ एक स्टार भी लगा होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। नंबर पांच, सब इंस्पेक्टर। ASI के बाद सब इंस्पेक्टर की रैंक आती है, जिन्हें हम SI भी कहते हैं। इनकी वर्दी पर लाल और नीले रंग की पट्टी लगी होती है, जिसमें दो स्टार लगे होते हैं। नंबर छह, इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के बाद होता है इंस्पेक्टर, जो थाने का इंचार्ज होता है। पूरा थाना इंस्पेक्टर के अधीन होता है, जो थाने में सबसे ऊंचा पद होता है। इनकी वर्दी पर एक लाल और नीली स्ट्रिप होती है, जिस पर तीन स्टार लगे होते हैं। नंबर सात, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इन्हें हम DSP के नाम से भी जानते हैं। इंस्पेक्टर के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक आती है। इनकी वर्दी पर एक लाल और खाकी रंग का बैच होता है, जिस पर कोई भी स्ट्रिप नहीं होती है। बैच पर तीन स्टार लगे होते हैं। नंबर आठ, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसे ASP भी कहते हैं। DSP के ऊपर ASP की रैंक आती है, जिन्हें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी बोलते हैं। ASP की वर्दी पर सिर्फ एक अशोक का स्तंभ होता है। नंबर नौ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP से ऊपर रैंक के होते हैं, जो DSP या SP के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी वर्दी पर अशोक का स्तंभ और एक स्टार लगा होता है। नंबर दस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यह SP से ऊंचा पद होता है। इसे SSB भी कहते हैं। SSB को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम से भी जाना जाता है। यह बड़े शहरों में तैनात होते हैं। इनके अंतर्गत पूरा जिला आता है। इनकी वर्दी पर एक अशोक का स्तंभ और दो स्टार लगे होते हैं। इसे कई जगह पर DCP भी कहते हैं। नंबर 11, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यह SSB से ऊंचा पद होता है। इसे DIG भी कहते हैं। DIG को उप महानिरीक्षक भी कहते हैं, और साथ ही एडिशनल ऑफ पुलिस कमिश्नर भी कहते हैं। इनके बैच पर IPS लिखा होता है, और अशोक के स्तंभ के साथ तीन स्टार भी होते हैं। नंबर 12, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को IGP भी कहते हैं। यह DIG से ऊंचा पद होता है, जिन्हें पुलिस महानिरीक्षक के नाम से भी जाना जाता है। इनकी वर्दी पर एक तलवार और स्टार रहता है, और बैच में IPS लिखा होता है। नंबर 13, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। DIG से ऊंचा पद होता है।
एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी इसे कहते हैं, इसे एडीजीपी भी कहते हैं। ये आईपीएस अधिकारी होते हैं और इनकी वर्दी पर अशोक का स्तंभ और तलवार के साथ आईपीएस लिखा होता है। नंबर 14, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी। डीजीपी को हिंदी में पुलिस महानिदेशक भी कहा जाता है। डीजीपी किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटोरी के पुलिस फोर्स का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यह पूरे राज्य के पुलिस फोर्स का मुखिया होता है। इनकी वर्दी पर अशोक स्तंभ, तलवार और एक स्टार होता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही किसी नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।